हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। पार्ट वन वीडियो तो आप सभी ने देखी है और बहुत अच्छे से आपने काम भी भेजा है, तो चलिए आज जल्दी से पार्ट टू कर लेते हैं वीडियो का। नोबडीज फ्रेंड, इस पोएम को हमने कल पढ़ा था, उसकी रेसिटेशन की थी और थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स भी किए थे। थोड़ी सी जो बैक एक्सरसाइज इसकी रह गई है वो हम आज देख लेंगे, लेकिन कुछ एक्सरसाइज देखने से पहले मुझे लगता है एक बार फिर से हम पोएम की रेसिटेशन कर लेते हैं, पोएम को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अब तो आपको पोएम अच्छे से आ गई होगी, तो आपने भी मेरे साथ साथ सिंग अलोंग करना, यानी जैसे हमने कल पोएम को गा के पढ़ा था उसी तरह से आज भी हम पोएम को गा के पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट। नोबडीज फ्रेंड, शी हैड सम स्वीट्स दैट शी वुडंट शेयर। She had a book that she wouldn't lend. She wouldn't let anyone play with a doll. She's nobody's friend. He had some toffee and ate every bit. He had a tricycle he wouldn't lend. He never let anyone play with his train. He's nobody's friend. Good. Ab last stanza dekh lete. But I'll share all my sweets with you, my ball and my books, and my games I will lend. Here's half my apple and half my cake. I'm your friend. Very good. अब जल्दी से अपने लिए और अपने फ्रेंड्स के लिए और मेरे लिए भी थोड़ी सी क्लैपिंग कर दीजिए जल्दी से, क्योंकि आपने पोएम को बहुत अच्छे से लर्न किया है। और हाँ, पोएम के पोइट लर्न हुए आपको, एनिड ब्लेटन। हु इज द पोइट ऑफ द पोएम? एनिड ब्लेटन। आपसे कोई अगर पूछेगा ये पोइट कौन है, इस पोएम के नोबडीज फ्रेंड किसने लिखी है, तो आप क्या बताओगे? एनिड ब्लेटन। स्पेलिंग को अच्छे से लर्न कर लेना। चलिए अब जल्दी से कुछ एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। डू यू लाइक टू शेयर योर फेवरेट फूड और टॉयज विद अदर्स? व्हाई? आपको अपने सबसे मनपसंद खाना और अपने टॉयज दूसरों के साथ बांटना पसंद है, क्यों? जी हाँ, मुझे पता है आपको दूसरों के साथ शेयर करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सभी आप लोग बहुत ही अच्छे बच्चे हो। यस, आई लाइक टू शेयर माई फेवरेट फूड एंड टॉयज विद अदर्स बिकॉज इट गिव्स मी जॉय एंड हैप्पीनेस। दूसरों के साथ बांटने में जो मज़ा है, जो खुशी है, वो किसी और काम में नहीं है, है ना? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। Who is your best friend? Can you describe him or her? आपका best friend यानी सबसे अच्छा दोस्त कौन है, क्या आप उसको describe कर सकते हो? Describe मतलब उसके बारे में कुछ बताना। Very good। जी हाँ, मुझे पता है आपको ये answer अच्छे से आता है, और इस पर आप 10 lines अपनी class में लिखते भी होंगे, सुनाते भी होंगे, है ना? Yes। ये my best friend ही लिखना है आपको। डैश इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अपने बेस्ट फ्रेंड का सबसे पहले तो हम नाम ही लिखते हैं, डैश इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। मान लीजिए रोहन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, रोहन लिख दीजिए। शीला इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, जो भी आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम है वो आप इसमें फिल कर दीजिए। उसके बाद वो कितने साल का है, शी इज़ डैश ईयर्स ओल्ड। वो 9 ईयर्स की है, 10 ईयर्स की है, जितने भी है। शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, वो बहुत मेहनती है। शी इज़ वेरी टॉल एंड ब्यूटिफुल, वो बहुत लंबी और सुंदर भी है। अब इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप किसी बॉय के बारे में लिख रहे हो तो आप शी की जगह, जी हाँ मुझे पता है आपको आता है, बॉय की जगह आप ही यूज़ करोगे अगर हम बॉय के बारे में लिख रहे हैं। और अगर हम शी लिख रहे हैं तो दैट मीन्स हम गर्ल के बारे में लिख रहे हैं, तो इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है। और जो लास्ट लाइन है, शी इज़ वेरी टॉल एंड ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल जब आप लिखोगे तो वो शी के साथ लगेगा, और अगर आप ही लिख रहे हो तो आपने हैंडसम यूज़ करना है। वेरी गुड। उसकी 10 लाइन्स लिखकर आपने मैम को व्हाट्सएप जरूर करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज यू एंड योर फ्रेंड्स आर वेरी थर्स्टी एंड देयर वाज ओनली 1 ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट वुड यू डू? यानी मान लीजिए आप और आपकी फ्रेंड बहुत प्यासे हो, थर्स्टी मतलब होता है प्यास लग रही है आपको, और आपके पास सिर्फ 1 ग्लास ऑफ वाटर है, एक ही ग्लास है आपके पास पानी पीने के लिए, तो आप क्या करोगे? गुड, वी वुड शेयर दैट ग्लास ऑफ वाटर। हम उस ग्लास पानी को आपस में बांट लेंगे, है ना? गुड। नेक्स्ट, इफ यू हैड अ बैट कुड यू प्ले क्रिकेट बाय योरसेल्फ? अगर आपके पास बैट होता तो क्या आप अपने आप से ही क्रिकेट खेल सकते हो? जी नहीं,
मुझे पता है आपको हर चीज़ फ्रेंड्स के साथ ही खेलना अच्छा लगता है ना, और आप इन दिनों फ्रेंड्स को कितना ज़्यादा मिस कर रहे हो ये मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी आपको बहुत मिस कर रही हूँ। नो, आई कुड नॉट प्ले क्रिकेट अलोन, मैं अकेले क्रिकेट नहीं खेल सकता। अब चलिए कुछ राइमिंग वर्ड्स देख लेते हैं। दे अलाउड, जोर जोर से आपने मेरे साथ बोलना है। नोबडी, एवरीबडी, समबडी, साइकिल, बाइसिकल, ट्राइसिकल, शेयर, केयर, स्टेयर, हेयर, पेयर, स्टेयर। अब इसी तरह से दो आपको खुद से बनाने के लिए दिए हैं। रेन, ग्रेन, क्रेन, फ्रेंड, ट्रेंड, लेंड, मेंड। राइमिंग वर्ड्स आपको याद है ना? ऐसे वर्ड्स जिनकी साउंड एक जैसी आती है, उनकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है, मीनिंग डिफरेंट होता है, सिर्फ साउंड उनकी एक जैसी आती है। जैसे देखिए, ट्रेन, ब्रेन, फ्रेंड, ट्रेंड। चलिए, पढ़ाई तो अब बहुत हुई, अब है स्टोरी टाइम। मुझे पता है आपको कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है ना? क्लास में आप लाइब्रेरी में भी बुक्स पढ़ते थे, तो चलिए आज मैं भी आपको एक कहानी सुनाऊंगी। और ये कहानी मुझे पता है आपको पहले से आती होगी, लेकिन फिर भी हम इसे एंजॉय करेंगे। आपने सुना होगा, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इनडीड। और इसका मतलब क्या होता है? जरूरत में काम आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है, यानी ऐसे दोस्त जो हमें मुसीबत के समय पर हमारी हेल्प कर दे, हमारी मदद कर दे, वही सच्चे दोस्त होते हैं। तो चलिए देखते हैं कहानी में क्या हुआ। वंस अ लायन ले फास्ट स्लीप इन रणथंभौर फॉरेस्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान में रणथंभौर नाम से एक जंगल है, जहाँ पर एक लायन जो था, शेर जो था, वो नींद आई हुई थी, उसे वो सोया हुआ था। Some mice were playing hide and seek near him. Hide and seek, जिसको आप छुपन छुपाई बोलते हो, वहाँ पर कुछ चूहे छुपन छुपाई खेल रहे थे। One mouse got trapped under the lion's paw. Paw बोलते हैं पंजे को। तो लायन के पंजे के नीचे एक चूहा जो था वो फंस गया। Trapped मतलब फंसना और paw मतलब पंजा। The lion woke up, laughed loudly, and let the mouse go. Lion woke up यानी लायन उठा, laughed loudly, जोर से हंसा, हा 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 हा, and let the mouse go, और उसने माउस को जाने दिया। कितना अच्छा था वो। After some days, the mouse heard the lion's roar. कुछ दिनों बाद माउस ने क्या सुना? लायन की रोर। लायन की आवाज सुनी है ना आपने? कैसे करता है निकाल के दिखाओ, करता है ना? उस दहाड़ को हम रोर कहते। He saw that the lion lay in great pain and he was tied with many ropes. उसने देखा कि लायन जो था वो वहां पर बहुत दर्द में लेटा हुआ था और उसको खूब सारी रस्सियों से बांधा हुआ था। द माउस यूज्ड हिज शार्प टीथ एंड कट द रोप। माउस ने, चूहे ने अपने पहने पहने दांतों का इस्तेमाल किया और उस रस्सी को काट दिया। यू आर अ ट्रू फ्रेंड, सेड द लायन। लायन ने कहा कि तुम ही एक सच्चे दोस्त हो। क्यों कहा उसने ऐसा? जी हाँ, क्योंकि अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। मुसीबत के समय जो काम आ जाए वही सच्चा दोस्त है। जैसे लायन को मुसीबत पड़ने पर माउस उसके काम आ गया। ओके, व्हाट डज दिस मीन? अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड का क्या मतलब होगा? फर्स्ट है, वी मस्ट बी देयर फॉर फ्रेंड्स इन ट्रबल। जब भी हमारे दोस्त को मुसीबत हो हमें हमेशा होना चाहिए। सेकेंड, ओनली अ गुड फ्रेंड विल बी विद अस व्हेन वी आर इन ट्रबल। राइट, जब भी हमें मुसीबत होगी उस समय अच्छे दोस्त ही हमारे काम आएंगे। इन अ शॉर्ट पैराग्राफ राइट हाउ कैन यू बी अ गुड फ्रेंड। छोटे से एक पैराग्राफ में लिखना है आपको कि आप एक अच्छे दोस्त कैसे बन सकते हो। आप तो ऑलरेडी एक बहुत अच्छे दोस्त हो, तो चलिए अपने बारे में ही लिख दीजिए। I can be a good friend if I always help my friend when he is in need. यानी मैं एक अच्छा दोस्त बन सकता हूँ जब मैं अपने फ्रेंड की मदद करूँगा जब उसे ज़रूरत हो। I will share my food, books and toys with my friends. मैं अपने दोस्तों के साथ अपना खाना, books, toys और चीज़ें भी शेयर करूँगा। I will be a good friend by being loving and sharing. जब मैं अपने दोस्तों के साथ प्यार करूंगा, उनके साथ शेयर करूंगा चीज़ें, तो मैं एक अच्छा दोस्त बन जाऊंगा। आप अपनी तरफ से भी इसमें कुछ लाइन ऐड कर सकते हैं। भाई, आपने तो मुझे भी सारा लेसन लर्न करवा दिया अच्छी से। अरे, ये क्या है? जी हाँ, ये वर्कशीट है, और मुझे पता है आपको सारे आंसर्स खुद से आते हैं। तो जल्दी से इस वर्कशीट का स्नैपशॉट रख लीजिए और अपनी नोटबुक में साफ साफ सुंदर सुंदर लिखना है। सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।